मालिकी सजनवा जी, प्यारी सत्संग जीओ, जब तक इंसान मालिक के नाम से जुड़ता नहीं, तब तक अपने गम, दुख, दर्द, परेशानियों से दो चार होता रहेगा। बेचैनी का आलम कभी मिट नहीं पाएगा। अंदर के बुरे विचार कभी चैन से जीने नहीं देंगे। और इंसान बेचैनियों में, भागम भाग में सारा समय गुजार के, बर्बाद करके इस संसार से रुखसत होगा। यहां भी दुखी और आगे भी नरक दोजख में सड़ेगा। अगर नाम ले लेता है तो यहां भी सुखी और आगे भी मालिक रहमो करम बरसता है, वो आवागमन से आजाद होके मालिक की गोद में जा विराजता है। इसलिए मालिक का नाम लेना कभी ना भूलो, उसके नाम से जुड़ो, उसके नाम का सुमरण करो, तो आपके अंदर ताकत आएगी, शक्ति आएगी, जिसे विल पावर या आत्मबल कहा जाता है। और उसके आने से आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं दूर होंगी और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे। सुमरण का पल्ला कभी ना छोड़ो। चलते बैठ के काम धंधा करते आप सुमरण करते रहिए तो जरूर मालिक की खुशियां मिलेंगी, जरूर उसके रहमो करम के हकदार बनोगे। वैसे भी तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, विचार शून्य कभी दिमाग होता नहीं। कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई ख्याल दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इंसान उनकी जगह अगर अपने सदगुरु के विचार, अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब के विचार दिलो दिमाग में ले आए तो जरूर बुरे विचार खत्म होंगे, मालिक से प्यार बढ़ेगा और जीवन में बहार छा जाएगी। जीवन को जीना तो हर किसी को पड़ता है, एक जीवन को जीना पड़ता है और एक जीते हैं शान से। जीवन को जीना पड़ता है यानी मजबूरी है, दुख है, गम है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, ज्यों त्यों समय पास हो रहा है, टेंशनें हैं। और एक शान से जीते हैं, कोई टेंशन नहीं रखते, मालिक तू जाने तेरा काम, अच्छे कर्म करते हैं, भले कर्म करते हैं और समय निकाल के तन मन धन से परमार्थ करते रहते हैं। यकीनन वो उनकी जिंदगी सफल है और वही दोनों जहां की खुशियां इस धरती पे रहते हासिल करते रहते हैं। तो अहंकार में ना आओ, पाखंड में ना पड़ो, ढोंग ना करो, दिखावा ना करो, बल्कि सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मालिक के नाम का जाप करो। आपका अंतःकरण साफ होगा, गम, दुख, दर्द, चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी और मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसती हुई आपको नजर आने लगेगी। तो प्यारे सत्संग जियो, जैसा आपको मालूम है साल का ये आखिरी दिन और कल को नए साल का पहला दिन, इस साल में अनजाने में जाने में आपसे जो पाप गुनाह हुए मालिक के सामने तौबा करके उसे छोड़ दीजिए। इसी साल में गुणों को उठा के अगले साल ले चलिए और इरादा मजबूत बना के चलिए, और गुण ग्रहण करना है और मालिक की खुशियों को पाना है। यकीनन नया साल आपके लिए मुबारक हो
और आपको वाकई ऐसी खुशियां बख्शे। जो गलतियां आपने इस साल में की हैं, जो बुरे कर्म इस साल में किए हैं, वो अगले साल में ना करने का प्रण करें, नए साल में साथ लेके चलें। जो आपने सुमरण किया, सत्संगें सुनी, आप ले जाएं ना ले जाएं वो साथ रहेगा। छोड़ जाएं आपके अवगुणों को, छोड़ दें आपकी बुरी आदतों को। सिर्फ जन्मदिन के दिन ही नहीं, कल से अवतार महीना शुरू हो रहा है, तो आपका फर्ज है अभी से प्लानिंग कर लो कि ठीक है हमने ये चीजें छोड़ते जाना है। रोजाना कम से कम एक गलती, बाकी 2, 3, 4, 5, 7 जितनी मर्जी छोड़ लो, ऐसा कोई हर्ज नहीं है। कहीं सोचो विदिन तो एक ही क्या है, अगर आपके अंदर बुराइयों का भंडार है तो ज्यादा छोड़ो। और लगता है कि कुछ एक बुरी आदतें, रोज एक बुरी आदत मजलिस है तो भी ठीक, नहीं आ पाते तो भी घर में अपने सदगुरु मौला को याद कीजिए, ज्यादा ही है तो तस्वीर अपने अंदर से पैदा कीजिए, नहीं तो फिर बाहर वाली तस्वीर के सामने सच्चे दिल से नारा लगा के तौबा कर लीजिए कि हाँ भाई ये बुराइयां मैं आज छोड़ रहा हूं और पूरी जिंदगी में कभी नहीं दोहराऊंगा। तो फिर देखो कैसे अवतार महीने की खुशियां आपके अंदर आती हैं, बाहर आती हैं, और आप अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे।